Hello students, again a very good welcome to our YouTube channel and Lightning Management Tutorials. आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ Fuels Administrative Theory. So let's start our today's session. आज हमें डिस्कस करनी है Henry Fuel की Administrative Theory, जो कि एक क्लासिकल अप्रोच है मैनेजमेंट की. लास्ट सेशन में हमने टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डिस्कस किया था, वो भी क्लासिकल अप्रोच थी. और जो Henry Fuel की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, ये भी क्लासिकल अप्रोच है. आज हम Henry Fuel की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन दिए अपनी इस थ्योरी में, और उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए रिगार्डिंग दिस, कि कैसे हम इस थ्योरी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं. आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप सब ने बेसिकली Henry Fuel के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही डिस्कस किए होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कौन सी चीज़ें थी जो Henry Fuel ने बताई अपनी इस थ्योरी के अंदर, हम उसको भी कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की. ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी मैनेजमेंट की, किसने दी थी? ये दी थी Henry Fuel ने. ठीक है, ही वॉज एन फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट. ठीक है, और उन्होंने अपनी इस थ्योरी में क्या बताया? उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया, उन्होंने बोला कि एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं. उन्होंने एक टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी प्रॉब्लम्स को देखा. ठीक है, कि एक टॉप मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड को यूज़ किया, ना कि मैनेजमेंट को. ठीक है, और मैनेजमेंट को अच्छे से स्टडी करने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहले उन्होंने बात करी मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग की, देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, एंड देन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग की बात करी. मतलब उन्होंने बोला कि एक मैनेजर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो Henry Fuel वॉज अ फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एक मैनेजर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, और वो क्वालिटीज़ को उन्होंने 6 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया. नंबर 1, फिज़िकल, कि कौन कौन से फिज़िकल एट्रीब्यूट्स एक मैनेजर के अंदर होने चाहिए ड्यूरिंग देयर अपीयरेंस एंड ऑल, मतलब उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए. देन मेंटल, मेंटल मतलब आप कैसे अपनी बात को समझाते हो, कैसे दूसरों को समझते हो, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है. देन मॉरल, मॉरल से मतलब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें, उसकी मॉरालिटी कैसी है, उसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स कैसे हैं. देन एजुकेशनल, मतलब उसके पास नॉलेज क्या है अपने काम को लेकर, वो कैसे अपने काम के बारे में जानता है, उसको कितनी एजुकेशन है, कितना नॉलेज है. ठीक है, देन द लास्ट वन इज़ एक्सपीरियंस, कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है. तो ये सारी क्वालिटीज़ जो कि एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, उन्होंने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया. फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर उन्होंने बोला एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट से वो क्या बताना चाहते थे? उन्होंने बोला कि हमें एक मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस देखना चाहिए, कि मैनेजमेंट क्या है, एक होलसम प्रोसेस है जिसके अंदर 5 फंक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं. सबसे पहले प्लानिंग करना, देन ऑर्गेनाइजिंग करना, देन डायरेक्टिंग करना, देन सारे फंक्शंस को आपस में कोऑर्डिनेट करना, और जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कंट्रोलिंग करना. ठीक है, ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके उसको देख लीजिएगा. ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, जिसको हम Henry Fuel के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, या फिर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. ठीक है, तो 1 by 1 हम उन सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ हेयर आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट. अब इनको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? ये जो Henry Fuel ने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं मैनेजमेंट के, इनको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, हम इन 14 प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स वाई इनको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है.
ठीक है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो उन्होंने प्रिंसिपल बताया, और हाँ एक और चीज़, ये जितने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं। अगर प्रिंसिपल वन उनका डिवीजन ऑफ वर्क है, तो जो प्रिंसिपल वन है वो डिवीजन ऑफ वर्क ही रहेगा। आप इस प्रिंसिपल को ऊपर, इस प्रिंसिपल को यहाँ नहीं कर सकते, इनको इसी सीक्वेंस में हमें याद करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल उनका डिवीजन ऑफ वर्क है तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, कोई और नहीं है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में इनको लर्न करना है। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से हेनरी फ्योल ने क्या बताया, उन्होंने बोला हेनरी फ्योल ने कि एक पूरे के पूरे काम को आप छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो। ठीक है, रादर कि आप एक पूरा का पूरा काम एक एम्प्लॉय को दे दो करने के लिए, बेटर है कि छोटे छोटे टास्क एम्प्लॉयज़ को दिए जाए कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये करना है, इस एम्प्लॉय को ये करना है, इस एम्प्लॉय को ये करना है। पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, और उन अलग अलग टास्क को अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दो, ये देखकर कि कौन सा एम्प्लॉय किस चीज़ में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग उनको टास्क दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो लेबर होगा या जो भी हमारा वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो उस पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और जो हमारे वेस्टेजेस हैं रिसोर्सेज के वो नहीं होंगे। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस बना रहेगा, ए वर्कर को ये काम करना है, दूसरे वर्कर को ये काम करना है। एक तो हमारे वेस्टेजेस नहीं होंगे और डुप्लीकेशन नहीं होगा। हो सकता है उस वर्कर ने, एक वर्कर ने एक काम कर लिया, दूसरे वर्कर ने भी सेम काम वही कर लिया, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा ना काम का ना ही एफर्ट्स का। सबको अपने अपने काम मिले हुए हैं, उन्हें वो अपने काम करने हैं, और वो जैसे जैसे अपने काम वो करेंगे वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क से ये होगा। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल उन्होंने बोला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है, कि हमारे पास राइट है, हम डिसीजन ले सकते हैं, हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ड्यूटी होना। अगर मुझे किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मीन्स मेरे पास एक ड्यूटी है कि मुझे अपने असाइंड वर्क को, असाइंड टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैरिटी होनी चाहिए। हेनरी फ्योल ने बोला देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ना तो ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि हर एक पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी ही अथॉरिटी है, नहीं, या फिर एक वर्कर की सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर एक पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हो जाएंगी तो सब कुछ ब्लंडर अप हो जाएगा, सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। उसे कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी कंप्लीट करना है, नहीं। ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड अथॉरिटी भी आपके पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, हम अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे। हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ अथॉरिटी है, हम सिर्फ लोगों को अथॉराइज़ करेंगे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। इससे क्या होगा, हम अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का डिसिप्लिन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए हर चीज़ में। इन्फोर्स डिसिप्लिन भी हो और सेल्फ डिसिप्लिन भी हो। इन्फोर्स डिसिप्लिन मतलब मैनेजमेंट को कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि हाँ वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को इन रूल्स को फॉलो करना है। अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो पनिशमेंट्स हैं, पेनल्टीज़ हैं। तो ये इन्फोर्स्ड, आपने लगा दिए वर्कर्स के ऊपर कि हाँ ये रूल्स और रेगुलेशंस दे शुड बी फॉलोड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉयज़ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, उनका खुद का डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि हाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने आ रहे हैं तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, जैसे कि केओस क्रिएट ना हो, एक कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो। अगर हर चीज़
डिसिप्लिन से चलती रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगा, स्मूथली वर्क करेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। ना तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएंगे, ना ही काम ढंग से हो पाएगा, सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। तो प्रॉपर डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को एक ही सबॉर्डिनेट से ऑर्डर मिलने चाहिए। अब ये किसके अगेंस्ट हो गया? ये टेलर ने जो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में अपनी टेक्निक बताई थी ना फंक्शनल फोरमैनशिप की, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। टेलर ने बोला था कि एक वर्कर को 8 सुपरवाइजर्स सुपरवाइज करेंगे, लेकिन हेनरी फ्योल ने बोला नहीं, एक वर्कर को, एक वर्कर के ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। अगर बहुत सारे सुपीरियर्स उसके ऊपर हो जाएंगे तो बहुत मेस्ड अप हो जाएगा। किस किस की वो बातें सुनेगा, किस किस की उसे अथॉरिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। एक बॉस ने एक काम दे दिया, दूसरे बॉस ने दूसरा काम दे दिया, तीसरे बॉस ने तीसरा काम दे दिया, इससे क्या होगा? सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। किसके काम को पहले करे, किसके काम को प्रायोरिटी दे, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वर्कर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, उसे एक ही बॉस से डिसीजंस मिलने चाहिए। अदरवाइज़ वो ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इन दी एंड जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर वो इस बॉस की सुनता है तो इस बॉस की नहीं कर पाएगा, इस बॉस की सुनता है तो इस बॉस की नहीं कर पाएगा। तो एक वर्कर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, उसे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। देन फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अगर हम शॉर्ट में बोलें, वन प्लान वन बॉस, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हों, चाहे जितनी भी टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, चाहे हम किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, हम जैसे भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना, कि हमें कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है, उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है, वहाँ से हमें सेल्स लानी है। तो चाहे जितनी भी एक्टिविटीज़ हों, ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ एक होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने इंटरेस्ट को, अपने फोकस को लगाना चाहिए। और इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हेड होना चाहिए फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो, सबका जो मेन एम हो वो एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो। ये नहीं कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है, मैं सिर्फ उसी को अचीव करने में लगी हुई हूँ, मार्केटिंग मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा हुआ है। नहीं, सबका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए कि हाँ, हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो चाहे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो, ऑब्जेक्टिव हमेशा एक होगा। और बेटर परफॉर्मेंस अगर हम चाहते हैं तो देयर शुड बी वन हेड ओवर एंड ओवर अबव ऑल। ठीक है, सिक्स प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पहली टर्म है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरी टर्म है जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब अपने फ़ायदे के लिए सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचना, और जनरल इंटरेस्ट मतलब कॉमन, ग्रुप का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, सबके लिए सोचना। तो हेनरी फ्योल जी ने बोला, उन्होंने बोला कि हमेशा हमें जनरल इंटरेस्ट को, ग्रुप इंटरेस्ट को या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर रखना है। हमेशा जनरल इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से सुपीरियर रखना है। जैसे कि मेरा अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मेरा अपना इंटरेस्ट है। एक और एम्प्लॉई आया, उसका अपना इंटरेस्ट है, एक और एम्प्लॉई आया, अपना इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, सब अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल होना चाहिए कि वो उसके इंटरेस्ट को ना पूरा करे, ना ही उसके इंटरेस्ट को पूरा करे, ना ही मेरे इंटरेस्ट को पूरा करे।
उसे ऐसा करना चाहिए कि जिससे पूरा का ग्रुप का इंटरेस्ट जो है वो अचीव हो। उसे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा होने से सिर्फ मेरा खुद का इंटरेस्ट पूरा होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट होता है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों का फ़ायदा है। तो इसलिए हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट से सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखना है, ठीक है। अगर दोनों इंटरेस्ट साथ में चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों इंटरेस्ट ऑपोजिट हो गए तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए रादर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। देन सेवेंथ प्रिंसिपल उन्होंने बोला, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब जो भी हम एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन देंगे, चाहे वेजेस हैं चाहे सैलरीज हैं, जो भी हैं वो फेयर और इक्विटेबल होनी चाहिए। उन्हें प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए अपनी जॉब से। एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन अगर उन्हें नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे रेम्यूनरेशन में दिक्कत है। यहाँ पे हम फिनेंशियल इंसेंटिव्स की भी बात कर रहे हैं और नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स की भी बात कर रहे हैं। मतलब जो भी हम वेजेस और सैलरीज अपने वर्कर्स को दे रहे हैं, दे शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। और हमारे जो वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हाँ, हमें जो वेजेस और सैलरीज मिल रही हैं हम उससे सेटिस्फाइड हैं। कोई भी वर्कर हमारा डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट एट्थ प्रिंसिपल कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारी अथॉरिटी एक ही जगह होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आप अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने सबॉर्डिनेट्स में। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर सारी अथॉरिटी मैं अपने पास रख रही हूँ, इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड है। अगर मैं अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, इसका मतलब मैं डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रही हूँ। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही होने चाहिए। ऐसा नहीं आप सारी अथॉरिटी अपने पास रख कर बैठ जाओ, सबॉर्डिनेट्स के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, बस आप अथॉरिटी पे अथॉरिटी बोले जा रहे हो, काम दिए जा रहे हो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। नहीं, हमें अपनी अथॉरिटी को डिवाइड करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। थोड़ी बहुत अथॉरिटी हम अपने सबॉर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे क्या होगा, हम दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सारी अथॉरिटी सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ दें कि भाई तुम्हें करना है जो करना है, अब हम खाली बैठे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें कुछ हद तक अपने पास अथॉरिटी रखनी भी है, और जहाँ हमें लगता है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी दे सकते हैं, हमें अपने सबॉर्डिनेट्स पर ट्रस्ट है कि हाँ वो इस पर्टिकुलर काम को कर पाएंगे, तो हमें वहाँ पे अथॉरिटी उन्हें दे देनी चाहिए, ठीक है। देन नाइन्थ प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब हेनरी फ्योल जी ने कहा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना कम्युनिकेशन करने के लिए एक हायरार्की को हमें फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ को ए से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली ए को अप्रोच नहीं कर सकता, उसे पहले ई के पास जाना पड़ेगा, देन ई डी के पास जाएगा, डी सी के पास जाएगा, सी बी के पास जाएगा, एंड देन फिर सी हमारा बी हमारा ए के पास जाएगा। वो सीधा जाके ए के रूम में नहीं जा सकता कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरे को ये आपसे बात करनी है, नहीं, उसे एक प्रॉपर चेन को फॉलो करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में तो हम ऐसे नहीं कर सकते, उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग हमारा डिले हो सकता है। अगर हमें अर्जेंटली कोई डिसीजन लेना है, अगर मान लो इस ई को ओ से बात करनी है, तो पहले ई डी के पास जाए, फिर सी के पास, फिर बी के पास, फिर ए के पास, फिर एल, फिर एम, देन एन, देन ओ, इससे क्या होगा, बहुत डिसीजन मेकिंग जो है हमारा डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, अर्जेंट सिचुएशंस के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, ई जो है ओ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। और ये जो उन्होंने शॉर्टकट मेथड बताया ना आपस में कम्युनिकेट करने का, उसको नाम दिया गया गैंग प्लैंक का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है,
कि जो गैंग प्लैंक है वो हेनरी फ्यूल के कौन से प्रिंसिपल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। तो गैंग प्लैंक स्केलर चेन में है कि अगर हमें अर्जेंटली कोई डिसीजन लेना है, अगर हमें इमरजेंसी में कम्युनिकेट करना है, तो हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं गैंग प्लैंक के थ्रू। अदरवाइज़ हमें एक प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करना है, प्रॉपर चेन को फॉलो करना है, ठीक है। देन हमारा 10th प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर से मतलब है, उन्होंने बोला हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, हर चीज़ की एक अपनी जगह होनी चाहिए, इवन राइट पर्सन अपनी राइट प्लेस पे होना चाहिए। ये नहीं कि मटेरियल्स आपके वहाँ पड़े हैं, इक्विपमेंट्स आपके वहाँ पड़े हैं, किसी चीज़ की कोई जगह नहीं है, हमने काम करा, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं हमने वहीं छोड़ दिए, टूल्स हमने वहीं छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ऑर्डरलीनेस को मेंटेन करना है, हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए और वो चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम सीधा उस जगह पर जाएं, वहाँ से उस चीज़ को लें और काम को करें। इससे क्या होगा, डिले भी नहीं होगा, वेस्टेजेस भी नहीं होगी और टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। हमें पहले से पता है कि वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट हमें वहाँ मिलेगा, तो हम वहाँ जाएंगे, उस इक्विपमेंट को लेंगे, अपना काम करेंगे, वापस से उस इक्विपमेंट को वहाँ रख देंगे। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं है इक्विपमेंट कहाँ है, तो हर चीज़ डिले पर डिले होती चली जाएगी। तो एक ऑर्डर में रहनी चाहिए सारी चीज़ें, चाहे मैन हो, चाहे मटेरियल्स हो, चाहे मशीनरी हो, कुछ भी हो। देन 11th प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी से मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी को मेंटेन करना है, किसी भी बेसिस पे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नहीं होना चाहिए, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, किसी भी बेसिस पे हमें वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हर चीज़ में हमें वर्कर्स को इक्वालिटी रखनी है, जितने भी हमें पावर देनी है, जो भी चीज़ें हैं, वर्कर्स के बीच इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एक इक्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं करना है और ना ही करवाना है। सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे वर्कर्स को हमें इक्वली ट्रीट करना है। देन 12th प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का क्या मतलब है? मतलब अगर हम एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को एक पोजीशन पर असाइन कर रहे हैं, तो हमें उसको कुछ टाइम पीरियड तक, एक फिक्स टाइम पीरियड तक वहाँ पर रखना है। ये नहीं कि अभी हमने उसको एक पोजीशन दी कि आपको इस पोजीशन पे काम करना है और 2 महीने बाद ही उठा के उसको दूसरी पोजीशन पे लगा दिया कि अब आपको ये काम करना है। इससे क्या होगा, एक तो वो जो काम पहले से कर रहा था उसमें अभी तक अच्छे से वेल इक्विप्ड हुआ नहीं है और हमने उसे दूसरी जॉब दे दी। ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को एक काम दे रहे हैं, एक पोजीशन दे रहे हैं, तो उसको सर्टेन टाइम पीरियड तक उस पोजीशन पे काम करते रहने देना चाहिए, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर काम में, उस पर्टिकुलर जॉब में स्पेशलाइज्ड हो जाए, अच्छे से उस काम को सीख जाए, फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप उसको दूसरी जगह भेज सकते हो। लेकिन हमें बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र्स जो है वर्कर के, एम्प्लॉय के नहीं करने चाहिए। एक टाइम पीरियड तक, फिक्स टाइम पीरियड तक उन्हें एक काम को करते रहने देना चाहिए। देन 13th प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब मैनेजर्स को, सुपीरियर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें। किस चीज़ के रिगार्डिंग? अगर एम्प्लॉयज़ को कोई तरीका समझ में आ रहा है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करने का, बेटर तरीके से करने का, तो वो आके उसको बोलें। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव सिस्टम को इनक्रेज करना है, एम्प्लॉयज़ के सजेशन सिस्टम को इनक्रेज करना है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ इनक्रेज होके इनिशिएटिव लें। अगर उनके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई बेटर तरीका है उस काम को करने का, तो वो आकर बताएं और हमें उनके उस डिसीजन को रिवॉर्ड करना चाहिए, हमें उन्हें और इनक्रेज करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो इनिशिएटिव्स लें, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करें। हो
हो सकता है उनका जो तरीका है वो ऐसा हो जिससे हम और अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को ये चांस देना चाहिए कि वो आएं, अपने सजेशंस दें, अगर उनके पास कोई बेटर आइडिया है, कोई क्रिएटिव आइडिया है तो आके उसको शेयर करें। देन लास्ट जो 14th प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का, वो है एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स एक फ्रेंच टर्म है जिसका मीनिंग है यूनियन इज स्ट्रेंथ। मतलब हमें अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या प्रमोट करना चाहिए कि वो टीम स्पिरिट में काम करें। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ मिलकर चलेंगे, एक साथ काम को करेंगे, तो वो काम और अच्छे से हो सकता है। अगर सब अपनी अपनी करेंगे तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट को मेंटेन करना है। हमें अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में ये प्रमोट करना है कि वो एक काम को कैसे ग्रुप में कर सकते हैं, उनके अंदर टीम स्पिरिट मेंटेन करनी है। ठीक है, ये सारे 14 प्रिंसिपल्स थे जो कि हेनरी फ्योल ने बताए कि जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए मैनेजमेंट के, और हमारे मैनेजर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं वो बताई, और हमारे मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं कि कैसे हम एक मैनेजमेंट को हमें एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस अधिकतर, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 14 प्रिंसिपल्स में से ही आते हैं। आज हमने अच्छे से हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को डिस्कस करा। अगर इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हम उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, माई कंटेंट, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।